हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? फूडी मूडी चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ परी और आज आपके लिए आम रस रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये खाने में तो लाजवाब लगता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आम रस किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने 4 मैंगोज़ लिए हैं और इन्हें अच्छे से धुल लिया है। 2 बड़े कप के बराबर मैंने दूध लिया है। ये दूध नॉर्मल है और इसमें मैंने केसर डाल रखा है और थोड़ा सा गुलाब जल। गुलाब जल आप 2 चम्मच इसमें डालकर रख सकते हैं। 1.5 कप के बराबर मैंने चीनी लिया है, इलायची भी लिया है और ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं और मैंने 4 इलायची लिए हैं। इलायची को मैंने ओपन करके उसके दाने अलग करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंगो के मैं इसके छिलके उतार के इसके पल्प को मिक्सी जार में अच्छे से पीस लूँगी। इसी तरीके से सारे मैंगो को अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। सारे पल्प को मैंने निकाल लिया। अब इसे अच्छे से मिक्सी जार में अच्छे से पीस लूँगी। देखिए, इस तरीके से मिक्सी जार में डालना है और अच्छे से पीस लेना है। मैं 2 बार में इसे पीसूँगी। अब इसी के साथ शुगर भी ऐड कर लेंगे। अब जो मैंने इलायची रखा है इसे भी इसमें मैं पीस लूँगी। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए, ये पीस गया है। इस तरीके से आपको अच्छे से पीस लेना है। मैंने इसमें जब मैं पीस रही थी तो इसमें मैंने पानी नहीं डाला है। बिना पानी यूज करे इसे पीसा है। तो आप भी जब भी इसे पीसे इसमें पानी ना डालें। इसी तरीके से इसे पीसना है और इसे एक बड़े बर्तन में अलग रखूँगी। अब मैं दूसरा जो मैंगोज़ बचे थे उसे भी अच्छे से पीस लेती हूँ। देखिए, इसे भी मैंने पीस लिया है। अब इसे अच्छे से मिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी और मिक्सी जार में जो लगे हुए हैं उसे भी अच्छे से मैं निकाल लूँगी। देखिए, इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जो मैंने केसर डालकर दूध रखे थे उसे मैं थोड़े थोड़े करके इसमें डालूंगी और अच्छे से मिला लूंगी। मैंने 1 घंटे पहले दूध में केसर और 2 चम्मच गुलाब का जल डालकर रखा था और इसे भी मैं अब इसमें अच्छे से मिक्स कर लूंगी। दूध बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए ना जब बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, नॉर्मल रखेंगे। देखिए, इस तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे।
अब पूरे दूध को अच्छे से इसमें मिला लूँगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेना है। अब जो मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे उसे भी मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप अपने मन मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और उसे बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले और इस तरीके से ऊपर इसको अच्छे से गार्निश कर लूँगी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में ही। अब इसे आधे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर इसे सर्व करेंगे। एक घंटे हो गए हैं और मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। देखिए कितना खूबसूरत, कितना अच्छा सा लग रहा है, कलर इसका कितना प्यारा सा लग रहा है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है, आप भी बनाइए, फैमिली को खिलाइए, खुद भी खाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी बनी ये रेसिपी। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।